एक एक स्माइली से मैंने सवाल किया कि हाजरे माम आपकी दुआएं सुनते भी हैं समझते भी हैं, तो कहते हैं बिल्कुल सुनते हैं समझते हैं। मैंने पूछा कि आप गुजराती में दुआ मांगते हैं, हाजरे माम को गुजराती आती है? उन्होंने कहा हाजर इमाम को वो भी जबाने आती हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है। उनके लिए जरा एक वीडियो मैंने निकाला था उन स्माइलियों के लिए जो ये कहते हैं कि हाजिर इमाम को तमाम जबाने आती हैं। जरा ये वीडियो देख लीजिए। And to your families, wherever they may be, I give my most affectionate, loving blessings. And to my brothers and sisters in Islam, be assured that my deep and heartfelt prayers are with you for your peace, your unity, and for your happiness. I also pray for the eternal peace and rest of the souls of all the deceased members of your families. Khanavada. ارشاد مبارک مولانا حاضر امام شاه کریم الحسینی آقا خان، دوشنبه 24 مای سال 1995. برادران و خواهران مسلمانم، اعتماد داشته باشید که دعاهای قلبی و عمیق من برای آسایشتگی شما، برای متحدی شما، برای خوشبختی شما همراه شماست. من اینچنین برای آرامش روحی ابدی ارواحهای گذشته خانواده های شما دعا می کنم. خانه‌تان آباد باشد. जी, जब इंग्लिश में बोली जा रही थी तो जो ऑडियंस है वो नहीं समझ पा रही थी, और जब बुरकशाही लैंग्वेज में बोली गई तो हाजिर इमाम को समझ नहीं आई। ये इस बात का प्रूफ है, अगर हाजिर इमाम को बुरकशाही आती थी तो वो खिताब ही बुरकशाही में करते, ना कि ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर को बुलाते। ये बहुत ही मुझे इस वक्त बड़ी हंसी आई ये देखते हुए कि हाजिर इमाम की मौजूदगी में हाजिर इमाम का फरमान उनके बराबर में खड़ा हुआ इंटरप्रेटर पढ़ रहा है। जी गुना कैसे माफ करता है क्या अल्लाह जाने बाबा। वो ट्रांसलेटर बीच में बिठाया होता है, बीच में ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर होता है। या से गुना माफ, जमात खाने से गुना माफ करते इस्माइली लोग हाथ उठाकर, वहाँ शायद पोर्चुगल में ट्रांसमीटर होता होगा। हाँ, अच्छा, इसने, पोर्चुगल इसने से माफी मांगी। पोर्चुगल से बात याद आई नूरल्ला भाई, पोर्टो रिको में हाजिर इमाम की बोर्ड का इफ्तिताह हो रहा है, हाजिर इमाम स्पीच कर रहे हैं और उनके सामने ऊपर लगी रस्सी पर शराब की बोतल, जरा देख लीजिएगा वीडियो। All'inizio dell'anno. Il periodo di allenamento e imbarcazione è attualmente in fase di avanzata costruzione, sempre alla Sai Ambrosini. Ye lijiye. शराब की बोतल तैयार पड़ी है, जब हाजिर इमाम स्पीच कर देंगे तो ये फोड़ी जाएगी बोर्ड पे। ये जी बोर्ड। यानी के नाम निहाद अहले बैत स्पीच कर रहे हैं और उनके सर पर लटक रही है शराब की बोतल। मतलब आप ये देखें कि अहले बैत को कितनी नफरत थी शराब से, लेकिन यहाँ पे ये हाजिर इमाम ये नहीं कह रहे कि मेरी बोट है, इस पर तुमने ये शराब क्यों फोड़नी है और उसको मेरे सर पे क्यों लटका के रखा है, इसको हटाया क्यों नहीं जा रहा। प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इस्माइलियों का एक प्रॉब्लम ये है कि जब अब इसकी किताबों के अंदर है कि हसन अल्लाह जिक्री सलाम जो है उसने, उस सबको मालूम है कि भाई वो इमाम का कोई जिस्मानी बेटा तो था नहीं, उसने अपने आप को बताया कि मैं रूहानी बेटा हूँ। जब वहां से ही आले नबी औलाद अली का अगर है, आगे तक भी यहाँ तक है तो वहां से तो खत्म हो गया, ठीक है। तो इनको आले नबी औलाद अली समझना जो है
वो तो वो किस तरीके से उनको दिमाग में इस्माइलियों को बैठ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा उनको गौर करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरा जो है इमाम का भेद, इमाम जाने वो सेंटेंस कब तक बोलेंगे। और उनकी जो पीढ़ी है ना, आज की जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो ये सब चला लेने वाले नहीं है। जो चल गया अभी तक वो चल गया, अभी आज के नौजवान ये चलाने वाले नहीं है। नौजवान जो है वो अक्ल वाले हैं, वो कोई बेवकूफ नहीं है कि भाई अंधी तकरीरों के ऊपर जो है ये किस्से कहानियां सुन सुन के जो है वो ईमान ला ले, वैसा नहीं है। उनको प्रूव करना पड़ेगा ये चीजें। आप विजुअली तो हम दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है। यहाँ पे एक जनाब हकीकत न्यूज वाले कहते हैं ये भी इमाम की रहमत है, इमाम की रहमत है कि उनके सर पर शराब लटक रही है। तो इमाम की रहमत तो बहुत है भाई, इमाम की रहमत तो बहुत है। समंदर में भी इमाम की रहमत फैलती है और आसमानों में भी फैलती है। इमाम की रहमत तो पूछो ही मत, ठीक है, बहुत है। लेकिन वो रहमत उनकी हद तक रहे, ये इस्माइली का बेचारे का दिल टूटता है। सच्चा इस्माइली 3-4 बजे से 5 बजे तक जो बंदगी करने वाला है, जो इमाम को जो है अपना मतलब वो खुद ये सोच के शराब नहीं पी रहा है कि मेरे इमाम ने कहा है कि नशीले पदार्थों के व्यापार से दूर रहो, शराब यहाँ तंबाकू तक की मना की गई है उनके फरमानों के अंदर। तो बेचारा ये सोच के वो दूर रहता है, कभी तंबाकू खा लिया तो भी अपने आप को गुनहगार समझ रहा होगा कि मेरे इमाम ने मना किया है। तो ये जब ये सब ये देख रहा है ना, ये शराब की बोतल इमाम के ऊपर लटक रही है और ये भाई जो बोल रहे हैं ये इमाम की रहमत है, तो उनसे भाई तुम्हारे जैसे लोगों का तो ठीक है, लेकिन वो बेचारो इस्माइलियों का दिल टूट रहा है यार, उसका तो थोड़ा ख्याल करो। उसको ऐसी रहमत की तो कभी उसने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी होंगी। नहीं, बहुत ही शॉकिंग रेवलेशंस है ये। वीडियोस कभी आमतौर पर इस्माइलियों की नजर से नहीं गुजरती है, ना गुजारी जाती है और ना उस पर फोकस करवाया जाता है। तो सवाल यही है कि फिर अगर अहले बैत है तो फिर अहले बैत के सर पर जो है वो शराब लटका कर उनकी बेहुर्मती नहीं की जा रही। बहुत सारे पॉइंट्स आ ये है ना, अगर ये सवाल अगर कोई इस्माइली या स्कॉलर्स को पूछेगा तो क्या बोलेगा, अरे भाई ये इंटरनेट पे जो है ना सब कुछ कर सकते हैं, एक वीडियो का एडिट कर दूसरे से सकते हैं। लेके कर सकते, एडिट कर सकते, वो कर सकते, बोल के उनको समझा बुझा के निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मसला विचारों के साथ चल ही रहा है, क्या करेंगे। क्या करेंगे? ठीक है।